तो एक बात कहनी थी मुझे कि मेरे और मेरी माँ के बीच जो रिश्ता है वो हम दोनों तय करेंगे। कोई और हमसे पूछने आएगा कि रिश्ता कैसे तय करना है तो हम उसे कहेंगे तुम कौन हो बे? तो हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे? तुम चीखो, तुम ही चिल्लाओ, कागज ला ला कर बतलाओ, पर मेरे कान न खाओ तुम, बेमतलब ना गुर्राओ तुम। ये मेरा देश है, इससे मैं चुपचाप मोहब्बत करता हूँ, अपनों की जहालत से इसकी हर रोज हिफाजत करता हूँ। तुम पहले जाहिल नहीं हो जो कहते हो चीख के प्यार करो, इतना गुस्सा है तो अपने चाकू में जाकर धार करो और लेकर आओ घोप तो तुम वो चाकू मेरी पसली में, अगर ऐसे साबित होता है तुम मसली हो और नकली में। हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे? जा नहीं मैं तुझको बतलाता कि क्या है ये धरती मेरी, किन शहरों से किन लोगों से मैंने पाई हस्ती मेरी, किन फसलों में लहराता था वो अन्न जो हर दिन खाया है, क्या मैंने इससे पाया है और क्या मैंने लौटाया है। जा नहीं मैं तुझको बतलाता कि कैसे प्यार जताता हूँ, वो कौन सा वादा है इससे जो हर एक रोज निभाता हूँ, वो कौन सा कस्बा था जिससे मेरी माँ ब्याह की आई थी, किस बेदिल एक मोहल्ले में मैंने चप्पल चटकाई थी, किस रास्ते से होकर के मेरी बहन लौटती है घर को, किन कवियों का नमक मिला है इस कविता के तेवर को, वो कौन सी बोली थी जिसमें मुझको दादी ने गाली दी, और इश्क लड़ाने को दिन में किन बागों ने हरियाली दी, जिनसे उधार था भैया का वो कौन सी पान की गुमटी थी, किसके मशहूर अखाड़े में पापा ने सीखी कुश्ती थी, किस स्कूल में मेरे यार बने, किस गली में मैंने झक मारी, किस खोमचे वाले ने समझी थी मेरी जेब की लाचारी। अरे जाओ नहीं मैं बतलाता, और तुम भी मत बतलाओ ना, मैं अपने घर को जाता हूँ, तुम अपने घर को जाओ ना। देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। तुम नारों से आकाश भरो, धरती भर दो, पाताल भरो, पर मुझको फर्क नहीं पड़ता, ये सस्ता नशा नहीं चढ़ता। तुम जो हो भाई हट जाओ, अभी देश घूमना है मुझको, इस वतन के हर एक माथे का हर दर्द चूमना है मुझको। तुम धर्म जो मेरा पूछोगे तो हंस दूंगा कि क्या पूछा, तुमने ही मुझसे पूछा था इस देश से मेरा रिश्ता क्या। जो अब भी नहीं समझ पाए तो कुछ भी आगे मत पूछो, तुम कैसे समझोगे आखिर, ये प्रेम की बातें हैं उधो। तो हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे? खवातीन से अपील है, बहनों से अपील है, माओं से अपील है, अभी ना उठें, बराए मेहरबानी माँ बहनें बैठी रहें, वो ना उठें। अगर आप मर्दों के साथ निकलेंगी तो तकलीफ़ होगी, पहले जेंट्स निकलेंगे, उसके बाद आपको इत्मीनान से सुकून के साथ निकाला जाएगा। तो माँ बहनें ना उठें, जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, आप बैठे रहें, जलसा ख़त्म नहीं हुआ है। मौलाना ने जो ऐलान किया है वो इस बात के लिए किया है कि जलसे के ख़त्म होने के बाद हमारी बहनें बैठी रहें, पहले लोगों को जाने दें, अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको सुशांत सिंह को सुनना है, और उससे पहले रवि नायर साहब जो हमारे आज के इस जलसे के सदर हैं उनको समाप्त करना है। लेकिन उन सबसे पहले, सुशांत सिंह से पहले मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, वर्ल्ड मशायख काउंसिल के हमारे और आपके बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद खालिद अशरफ साहब अशरफी जीलानी दामत बरकातुहुल कुस्सिया से कि वो आएँ और थोड़ी देर के लिए दुआइया कलिमात से नवाजें। हज़रत अल्लामा सैयद शाह खालिद अशरफ साहब के लिए नारा लगाइए। हज़रत खालिद अशरफ साहब, हज़रत खालिद अशरफ साहब, मोजेस हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और ये आपका आना जो है ये अल्लाह की रजा है। मैं तो उनको कहता हूं कि जो लोग आज हुक्मरान बनकर बैठे हैं उनको कितने परसेंट हिंदुस्तानियों ने उन्हें हुकूमत दी है? सिर्फ 30%। 30% वोट लेके आज हुक्मरान बन गए। हम 70% आवाम की बात आप नहीं सुन रहे हो। और यह मैं तो उनकी उनकी उनके मुबारकबाद देता हूँ। आज उनकी वजह से जो हमारे अंदर तलखियाँ आ गई थीं, जो हम दूर हो गए थे, आज हम सिर्फ उनकी वजह से फिर एक साथ हो गए हैं। और ये आपकी हिम्मत, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में आपका इत्तेहाद कायम रखे और यह इत्तेहाद आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वमालन अल्लाह अभी हमारे बीच छत्रपति शिवाजी ब्रिगेडियर के सचिन संभाजी ब्रिगेडियर के सचिन कामले जी 2-3 मिनट अपना बात रखेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे खास कन्वेनर है, इन्होंने बहुत मेहनत किया भाई 2 महीने हमारे साथ में। अभी हमको हमने टाइम का शॉर्ट किया है, प्लीज। धन्यवाद। मैं ये मन से भारतीय मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ और मैं थोड़ी मराठी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को लगता रहेगा ये मसला, ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ मुसलमान लोगों ने निकाला है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया भाई को, यहाँ पे SC ST OBC मराठा बुद्धिस्ट शीख सभी क्रिश्चियन भाई यहाँ पे आए हैं। ये देश का मसला है, ये NRC विरोध के लिए ये मराठा भाई भी आया है, हमारे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ते भी आए हैं। साथियों, जो NRC के बारे में पूरे देश में चल रहा है, ये ऐतिहासिक सभा, जब NRC कायदा रद्द होने वाला है तो आजाद मैदान में जो साथियों ने जो NRC कायदे का जो मीटिंग ली, प्रोटेस्ट लिए, इतिहास में नमूद होने वाली है। साथियों, मैं जो गैर मुसलमान है हमारे भाई, उनको मैं अपील करता हूँ ये मन से, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड से। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब इस्लाम कहता है मजलूमों का साथ दो, सही बात है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बराबर है ना? मजलूम, हम 2500 सालों से मजलूम थे, 2500 सालों से मजलूम थे, तो यही मुसलमान समाज ने हमें साथ सहयोग दिया। क्यों साथ सहयोग दिया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तला में एक परिषद ली थी, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे RSS के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने हमें 14 तला में मीटिंग लेने नहीं दी। वही टाइम परिषद का जो माहौल था वो जगह दी थी, वो मुस्लिम समाज की जगह थी और मुस्लिम समाज ने बाबा साहब को साथ सहयोग दिया था। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान ऐसे ही नहीं बना। साथियों, संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को बहुत बड़ी संघर्ष त्याग करना पड़ा। 2 ही मिनट में लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जो सच्चाई है वो जरूरी, लोगों को बाबा साहब की बातें मालूम होनी चाहिए, इस वजह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए 701 बहुत बड़े पैमाने पे RSS और मनुवादी लोगों ने बहुत परेशान किया था। वो बाबा साहब ने संविधान कैसे बनाया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। संविधान पश्चिम बंगाल के हमारे नमो शूद्राय मुसलमान साथी थे, मुसलमान समाज था, बाबा साहब संविधान लिख पाए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई ने संविधान सभा पे चुन के बाबा साहब को दिया, तभी बाबा साहब ने संविधान बनाया। इस वजह से मुसलमान समाज को NRC के विरोध में साथ सहयोग करना है। और एक मैं बात बताऊंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, आज महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे सरकार बनाई है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें बताऊंगा, गैर मुसलमान हमारे SC ST OBC भाई है, क्यों साथ सहयोग देना है NRC के बारे में? छत्रपति शिवाजी महाराज के 40% सैन्य मुसलमान थे, इस वजह से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य निर्माण किया। ऐसे स्वराज्य निर्माण नहीं हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले थे वो 40% मुसलमान थे। और ये मन से मैं एक बात छत्रपति शिवाजी महाराज की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश में और विदेश में जैसे मालूम हुए, और सिर्फ मुसलमानों के वजह से। क्यों बता रहा हूँ? जो छत्रपति शिवाजी महाराज का ड्राइंग बनाया, पूरे देश में पहला बनाया, उसका नाम था नूर मोहम्मद, उस वजह से शिवाजी महाराज लोगों को मालूम पड़ा।
तीसरी बात, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक मिनट में अपनी बातें विराम करने वाला हूँ साथियों, लेकिन जानकारी जरूरी है, सही बात है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, महात्मा फुले फातिमा बेग ने बहुत बड़े पैमाने पर 701 दिया, इस वजह से महात्मा फुले जो पढ़ाई का जो बिंब जो नींव थी वो रख पाए। साथियों, आने वाले समय पे मुसलमान समाज SC ST OBC ने मुसलमान समाज को हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखनी है। और साथियों, NRC का जो मामला है, NRC बता रहे ना लागू करेंगे, पहला तो NPR लागू कर दिया है, लेकिन NRC मैं हेमंत से अपील करता हूँ, NRC लागू हो तो DNA के आधार पर लागू हो, क्योंकि ये DNA मोदी अमित शाह जो तड़ी पा रहे ना उसका DNA RSS का DNA विदेश का है, और SC ST OBC भाइयों का DNA भारतीय है। ये DNA के आधार पर NRC लागू हो। आपने मुझे बोलने की समय दी, और छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से सभी मराठा OBC भाइयों को मैं बता रहा हूँ, NRC मामला ये सबका है, सब सहयोग मुसलमान भाइयों को देंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। जय भीम, जय शिवराय, सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो अब आ रहे हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे, सुशांत सिंह तशरीफ ले आए। सुशांत सिंह, शुक्रिया मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच। भाइयों, बहनों, माओं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जब भगत सिंह फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इनकलाब आंखों से देखने को मिलेगा। आप सबने ये सपना पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुक्रिया के साथ, अभी कल परसों गृह मंत्री जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जहां उन्होंने कहा है कि भारत में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन बस नहीं जलानी चाहिए, बस वगैरह नहीं जलानी चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ। और जिसने भी बस जलाई है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो दिल्ली में जो एक बस जली है, मैं चाहूँगा कि आज हम सब उस एक बस को भावभीनी श्रद्धांजलि दें, क्योंकि हमारे देश में लोगों को मारा जा सकता है भाई, लोग बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। यूपी में मार दो, बिहार में मार दो, पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दो, आसाम में कर्फ्यू लगा दो, लोग बहुत हैं, लोग मारे जा सकते हैं भाई। बसें कम हैं, बसें नहीं जलानी चाहिए थी। हम सब हाथ जोड़कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं उस एक बस को जो दिल्ली में जलाई गई थी। उसके बदले आप डॉक्टर कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दीजिए साहब, उसे जेल में बंद कर दीजिए हमेशा के लिए, बस नहीं जलानी चाहिए थी। JNU के बच्चों का सर फोड़ दीजिए, जामिया में हाथ पैर तोड़ दीजिए, गोलियां चलाइए, आसाम में मुंह पर गोली मार दीजिए किसी के, क्योंकि लोग बहुत हैं, बसें बहुत कम है यार। मत जलाओ बसें, कसम खाते हैं आज एक बस नहीं जलाएंगे, सिर्फ गद्दी जलाएंगे, सिर्फ गद्दी। गुस्सा बहुत है, ऐसी कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं गुस्से में। अभी आते हुए ख्याल आ रहा था कि ये सब करके शायद ऐसा लगा इनको कि एक और महाभारत करवा देंगे, कौरव पांडव की तरह हम भिड़ जाएंगे, लेकिन फिर अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक रामायण लिखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम को अगवा करने की कोशिश की है, और याद रखिएगा, इनकी लंका में आग इस बार देश की सीताएं लगाएंगी, और उस सीता के पीछे बजरंग बली और अली दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और हमारे सरपरस्त होंगे गांधी बाबा, भीमराव अंबेडकर साहब, जीसस, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, सब हमारे सरपरस्त होंगे। आइए देखिए, लड़ते हैं, चलिए। एक कविता लिखी थी, आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर सुनाना चाहूंगा। मैं बिजनौर का हूं,
उत्तर प्रदेश में बिजनौर, कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस आग में झुलसकर बिजनौर का एक शख्स मुशर्रफ खत्म हो गया था, 43 लोग मरे थे। मुशर्रफ ने आखिरी वक्त में अपने दोस्त शोभित को फ़ोन लगाया था, वो भी बिजनौर का था, और जाते जाते शोभित को कह गया था कि भाई मेरे घर का ख्याल रखना। देश के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, उसे सोच करके कुछ लिखा था, वो पेश कर रहा हूँ। दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया। एक मुसलमान को आखिरी वक्त में हिंदू दोस्त ही याद आया, भारतवर्ष ने इसे एक बड़ी खबर बताया। सहरा देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई, लोगों की आंखें भर आई, पर बेचारा शोभित सकते में था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो गया। नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस्म उसका दोस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था, मुनाफाखोर था, आग भी उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदमखोर था। पर हो सकता है कि यह अफवाह हो सकता है कि यह अफवाह हो, कसूर बाशिंदों का ही रहा हो। जब कुछ जलने की बू आई थी, तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी? जब कुछ जलने की बू आई थी, तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी? उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी? क्या कह सकते हैं, हवा में पहले ही इतना जहर है, कैसे पता चलता कि आज का ये धुआं कहर है? फटी आंखें झुकी गर्दनें तब उठी जब आग धू धू कर पूरी थधक उठी। पर अब क्या हो सकता था, एक ही रास्ता था बचने का और वो बंद हो चुका था। कुछ फौरन झुलस गए, कुछ लड़ रहे थे, लेकिन मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे। हवा स्याह हो चुकी थी, उसका दम घुट रहा था। शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कॉल थी वो। मुशर्रफ की सांसें उखड़ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था, पर दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे। वो आवाज देता रहा, वो कहता रहा, तू आवाज दे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुझे बचाने कोई तो आएगा। पर कैसे आता कोई, बहुत देर हो चुकी थी, गैर कानूनी गलियों में फंसकर वहां की गलियां तंग हो चुकी थी। अब सिर्फ सुस्त पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुशर्रफ बोल नहीं पा रहा था, शोभित का दिल बैठा जा रहा था, उसका रोम रोम चिल्ला रहा था, हे राम मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इतना फासला है, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं, यह गैर कानूनी फैक्ट्री वहां खड़ी कैसे हो गई, तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई, सभी तो आदमखोर नहीं हो गए कहीं? इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर, यह बीमारी महामारी सी फैलती है, गांव कस्बे शहर पूरे के पूरे देश लीलती है। फिर सांसें सुनाई देनी भी बंद हो गई, मुशर्रफ मर गया। पर जाते जाते घर का सरपरस्त दोस्त शोभित को कर गया, मैं जानता हूं शोभित, यह चोट बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत ही बड़ी है, पर तुम डरो मत, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुशर्रफ की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है, यह जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर भी तो पड़ी है। तो चलो उठो शोभित, आग बुझी नहीं है अभी, इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए इसे बुझाना होगा, आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा। इनकलाब, 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 इनकलाब। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। हजरत सुशांत सिंह साहब के बाद आपको अभी सिर्फ दो तकरीरें और सुनना है। नौजवान और हमारे बूढ़े यहाँ से निकल जाएंगे
उसके बाद हमारी लेडीजों के लिए हमने रास्ता बनाया है, यहाँ पे गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है, बाद में आराम से आइए। देखिए लेडीज गेट नंबर 2 और 3 से बाहर होंगी, लेकिन तमाम लोगों के बाहर जाने के बाद 2 और हमारे स्टेज के पास है और 3 हमारे वॉलेंटियर खड़े रहेंगे वहाँ पर। आप सुकून के साथ बैठे रहें और लोग भी बैठे रहें। अभी 2 तकरीरें बाकी हैं। जनाब मुश्तबा फारूक साहब तशरीफ़ लाएँ। मुश्तबा फारूक साहब हमारे इस एलायंस के कन्वेनर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद करारदाद होगी, आप हजरात की ताईद होगी और उसके बाद में हमारे सदर जनाब रवि नायर साहब। इनकलाब इनकलाब वंदे भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, बोलो बाबा साहब अंबेडकर की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मदम रवि नायर जी और स्टेज पर बैठे तमामी रिस्पेक्टेड भाइयों और सामने बैठे बहनों और ये साथियों, 11 दिसंबर 2019 को CA को पास किया हुकूमत ने और बहुत कागज़ उठा उठा कर और हाथ लहरा लहरा कर अमित शाह क्रोनोलॉजी बताते रहे और एक्ट को पास करा ले गए। वो समझते थे कि जिस तरीके से तलाक़ के इशू पर 370 पर और बाबरी पर चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं तो शायद ऐसी आसानी से वो सब चीज़ों को रौंद कर निकल जाएंगे, लेकिन CA ने उनके घमंड को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि जिन ख़वातीन को, जिन औरतों को उनके दूसरे साथी योगी जी और या अमित शाह जी शुमार करने तैयार नहीं थे, आप देख रहे हैं कि 2 दिन से अमित शाह जी कहते हैं कि अगर शाहीन बाग की ख़वातीन आती हैं तो बात की जा सकती है। ख़वातीन की इस ताकत को अमित शाह को मानने की मजबूरी हम देख रहे हैं। वो योगी जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों ने औरतों को आगे कर दिया है, तो वो योगी भी पूरा आकर दिल्ली के इलेक्शन में शाहीन बाग करके चले गए, लेकिन BJP को क्या मिला वो आपके हमारे सामने हैं। तो मैं इन इश्यूज़ पर 1-2 मिनट में आने से पहले अपनी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ 1-2 बातें कहते हुए आगे बढ़ता हूँ कि पहले तो मैं वो योगी और मोदी से कहता हूँ जो ख़वातीन का एहतराम शायद उन्होंने सीखा ही नहीं है और इसी वजह से वो ख़वातीन की ताकत को रिकग्नाइज़ नहीं कर सके। तो अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूँ तो वो दुर्गा जी को जानते हैं, दुर्गा देवी को, कि जब कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है महिषासुर का वध नहीं कर सके तो उस वक्त वो फिर नारी शक्ति थी जिसने फिर वो महिषासुर का वध किया था, उसको हलाक किया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बात कही गई कि आज जो मेजर चैलेंज के तौर पर जो ताकत सामने आई है वो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की ताकत सामने आई है और हम ना सिर्फ उसको सलाम करते हैं बल्कि वाज़े तौर पर ये कहना चाहते हैं कि माँ वो हैसियत रखती है कि जो अपने बच्चे को परवान चढ़ाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए ख़ुद को बूढ़ा कर देती है, पूरा फना कर देती है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है। और आप अगर उनकी नस्लों को चैलेंज करेंगे, उनकी नागरिकता को चैलेंज करेंगे, उनकी सिटीजनशिप को चैलेंज करेंगे तो ये मोर्चे, ये धरने, ये एहतजाज ये वक्ती नहीं हो सकते। ये एहतजाज उस वक्त तक चलेंगे जब तक CA वापस नहीं होता, ये एहतजाज उस वक्त तक चलेंगे जब तक NPR ये विड्रॉ नहीं करते। हम सेंसस के मुखालिफ नहीं हैं, सेंसस पहले भी होता रहा, सेंसस के साथ मिलाकर नकाब ओढ़कर NPR मत कीजिए मोदी जी, सेंसस करना है सेंसस कीजिए लेकिन NPR जोड़कर सेंसस की आड़ में मत कीजिए। ये जो हिजाब पहनते हैं ना तुमने, तुम्हारी मिजाज के लोग,
जो निकाब से तो डरते हैं लेकिन जेएनयू में जाते हैं तो तुम्हारी ये नस्लें जो बहुत खुद को बहादुर समझती है एबीवीपी वगैरह, फिर ये नकाब पहनकर पहुंचती है। तो आप ऐसे नकाब मत ओढ़िए एनपीआर के नाम पर, ऐसे नकाब मत ओढ़िए, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कि आप उसके आड़ में एनआरसी चाहते हैं, एनआरसी आपने अगर कहा है कि लागू नहीं कर रहे हैं तो कानून की ज़बान में बोलिए लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी करता हूँ और हमारे बॉम्बे के भाइयों से करता हूँ कि अवार्ड जी भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहे, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। आज थोराज साहब भी आने वाले थे लेकिन यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज़्यादा हम उद्धव जी से इस बात की अपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि वो टेक्निकली लीगली ये स्टैंड लेके एनपीआर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जिस तरीके से केरला और बंगाल की गवर्नमेंट ने इस एक्ट से का विरोध जताते हुए आर्टिकल 131 के तहत सूट दाखिल किया है, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं और अपने साथियों से अपील करते हैं कि इन धरनों के साथ साथ इस हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि वो लीगली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मोबिलाइज करें। ये चीज़ होती है तो ये ज़्यादा सॉलिड होगी, वरना आखिरी एक दो बातें सिर्फ कहते मैं जगह अपनी जगह ले रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये अगरचे के टारगेट मुसलमान हैं लेकिन इसका निशाना सारे SC ST OBC है। इसलिए हमारे और साथियों ने बात की भी, हम उनसे भी ये विनंती करते हैं कि ये जो मोबिलाइजेशन है बड़े पैमाने पर और कम्युनिटीज़ का होना चाहिए। सब कम्युनिटीज़ मिलकर कागज़ नहीं दिखाएंगे तो उसमें ताकत आएगी। एक कम्युनिटी साहब अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको फिर आप कुछ चीज़ों की तरफ पुश करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट भी है कि और कम्युनिटीज़ हम भी कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश करें कि आए, इसलिए कि हर वीकर सेक्शन इसका शिकार होगा। ये रिक्वेस्ट के बाद आखिरी रिक्वेस्ट करते हुए मैं ख़त्म करता हूँ कि लड़ाई हमको आखिर तक लड़नी होगी, इसलिए कि नागरिकता जाने का मतलब ये है कि ना आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ना वीज़ा है, ना हज है, ना उम्रा है, बल्कि कोई किसी को कत्ल कर दे, किसी को रेप कर दे, उसको कोई अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हम ऐसा कोई अधिकार नहीं खो सकते और हम इनके हमारा हक है और ये पावन है कि हमारा ऐसा कोई अधिकार न छीने। इनको अधिकार अपने ये एक्ट वापस लेना होगा और ना इनको ही गुद्दी गद्दी में रहने का कोई इस्तेखा नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस अजीमुशान एहतजाजी इजलास में हमने महाराष्ट्र की जो पार्टियां हुकूमत कर रही हैं उनके सभी नुमाइंदों को बुलाया था, वो तशरीफ़ नहीं लाए। हो सकता है वाकई उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन सियासी मजबूरी भी हो सकती है, हम ये समझते हैं। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। तो हम अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ महाराष्ट्र हुकूमत को पहुंचाने के लिए हमने करारदाद तैयार की है जो आप सबके सामने पढ़ी जाएगी, आप उसको मंजूर करें और उसके बाद फिर हमारे अलायंस के कन्वीनर जो हैं रवि नायर साहब, वो आपके सामने आएंगे, उसके बाद फिर ये इजलास ख़त्म होगा। आप हजरात इत्मीनान के साथ जाएँ जैसा कि ऐलान किया जाएगा। हज़रात ख़वातीन, अभी आपको नहायत सुकून के साथ 15 मिनट तक बैठना है, इसलिए सुनिए मेरी बात, इसलिए कि हमारे आज के इस शानदार और अजीमुशान इजलास के आर्किटेक्ट, इसके अध्यक्ष और इसके सदर दिल्ली से आए हैं डॉक्टर रवि नायर साहब। अगर हम उनको आखिर तक सुनने के लिए नहीं बैठेंगे तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी, हमारी बदजोकी होगी। उससे पहले मैं आपके सामने कुछ रेजोल्यूशंस करारदाद हमारे इस अलायंस की तरफ से पेश कर रहा हूँ। आपको ताईद में हाथ उठाना है, आपको हाथ उठाकर उसकी ताईद करना है। 5 करारदादे हैं। नंबर 1, आज का अजीमुशान इजलास भारत सरकार से मुतालबा करता है कि ज़ालिमाना कानून CAA को वापस ले और पार्लियामेंट के इसी अधिवेशन में इसे रखे, आपको मंजूर है? नंबर 2, आज का ये इजलास भारत सरकार से पुरजोर मुतालिबा करता है कि 2010 के NPR के फॉर्म में जो इजाफा किया गया है उसे हजफ करे, आपको मंजूर है ये? नंबर 3, हमारा मुतालिबा है कि आसाम के बाद किसी सूबे में NRC की ज़रूरत नहीं, लिहाजा मुल्क के किसी सूबे में NRC लागू नहीं किया जाए। है सभी इसमें
आज का ये इजलास, आज के इस इजलास में शरीक सभी हिंदू मुस्लिम दलित ओबीसी क्रिश्चियंस एससी एसटी और तमाम मजाहिब के शुरका यहाँ आए, उन सबों को हम एलायंस की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, आपकी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद आखिर में मैं रवि नायर साहब को आवाज़ दूँ, उससे पहले मैं तमाम पुलिस वालों का, आज़ाद मैदान के मुंतजमीन का, स्पोर्ट्स का आप करेंगे ठीक है, अब मैं डॉक्टर रवि नायर साहब की आज अब ये की नोट एड्रेस प्रोग्राम के इख्तिताम पर नेशनल एंथम होगा, आप अदब के साथ पढ़ते हुए जाए पढ़ के जाए। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, समय काफी हो चुका है, लेकिन एक तो चेतावनी देना है और एक आपको चैलेंज देना है। चेतावनी ये है कि सरकार डरी हुई है, पहले उन्होंने पिटाई की जेएनयू के छात्रों पर, बाद में एएमयू के छात्रों पे, फिर जामिया पहुंचे, फिर कर्नाटक में पिटाई हुई, फिर उत्तर प्रदेश में बहुत सारा उन्होंने गोली से लोगों को मारा, कत्लेआम किया लोगों का। कल रात को तमिलनाडु में इन लोगों ने खुराफत किया। सरकार डरी हुई है। रामधारी दिनकर ने, जो महान हिंदी कवि थे, उन्होंने 1975 में कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तो मोदी, शाह और दोवल, ये तीन लोग जो सरकार चलाते हैं, समझ लो कि आपका नंबर आ गया है वनवास जाने का। ले जाइए, वनवास ना जाओ तो नागपुर चले जाओ, वन वे टिकट लेके। लेकिन आपको हम सचेत कर रहे हैं कि ये लोग केवल पिटाई नहीं करेंगे, ये तो चाणक्य के चेले चपटे हैं, हर चीज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों के बीच में फूट डालें, हम लोगों के बीच में दरार डालें। पिछले 4-5 दिन से दिल्ली में इनकी कोशिश है कि कैसे भी शाहीन बाग को उठा दिया जाए, लोगों को कहा जाए कि भाई हम तो आपको बुला रहे हैं बात करने के लिए, कोई आ नहीं रहा है, 3 दिन में आपको समय दे देंगे। अरे आप कौन होते हो समय देने के लिए? हम आपको समय देंगे बातचीत करने के लिए, तब और समय तब देंगे जब आप CAA, NPR और NCR को तुरंत हटाया जाए। हम समय देंगे जब आप सारे केस को विड्रॉ करें जिनके प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अरे हम जीत रहे हैं, तुम लोगों का नंबर आ गया है, हम क्यों डरते हैं? तुम डरो, हम नहीं डरते। दूसरा चैलेंज देता हूं, सचेत तो मैंने कर दिया, ज्यादा बोलना है लेकिन समय का अभाव है, इतना है कि ये सरकार चल नहीं सकती, जनता के शिरकत के बिना ये जनता नहीं चल सकती। तो आप तैयार हो जाएं सत्याग्रह करने के लिए, सिविल नाफरमानी करने के लिए, जेल जाले के लिए। रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज मिलती है जेल में, सरकार देगी, बाहर तो देती नहीं। आप समझ लीजिए, ये सरकार के पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेल में केवल 3 लाख लोगों के लिए जगह है, रखती है। क्या हम लोग 10 लाख लोग नहीं देश भर जब भेज सकते हैं? तो सरकार हो जाएगी ठाई फिक्स। समझ लीजिए, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे। अरे मोदी, शाह और दोवल,
सचेत हो जाओ, ये लोग और हम लोग मानेंगे नहीं जब तक आप लोगों के मंसूबे सही नहीं हो, देश के प्रति सही नहीं हो, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान के प्रति सही नहीं हो। तो अभी आप समझ लो कि अकल का इस्तेमाल करो। अरे अकल के मोहताज निक्कर वाले, अकल के दुश्मन, बुद्धि विरोधी मोर्चा के अग्रिम पंथी, सोच लो कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। इंकलाब जिंदाबाद। अभी नेशनल एंथम होगा, उससे पहले मैं तमाम भाई बहनें और हमारी बेटियां और हमारे बुजुर्ग जो कुर्बानी दे दे के अलग अलग इलाके से आए हैं, हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और थाना मुमरा कल्याण भिवंडी चिता कैम नई मुंबई मलाड गवंडी मलाड ईस्ट मलाड वेस्ट जोगेश्वरी कांदेवली मीरा रोड और जो हमारे साउथ बॉम्बे के अंदर के लोग आए हैं, हम तमाम तंजीमों का जिन लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी है, अपना वक्त लगाया है हमारे साथ में मिलकर, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास कर हमारी बॉम्बे पुलिस जिसने हर जगह हमारा ताउन दिया है, और ख़ास कर हमारे कमिश्नर साहब बॉम्बे के संजय परवेज साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे DCP जोन 1 हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम DCP और हमारे जॉइंट CP हम सब उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये पब्लिक आपकी है और आपका ताम हम चाहेंगे इसी तरह कंटिन्यू को मिलता रहे, ये आपके लोग हैं। शुक्रिया। नेशनल एंथम के लिए खड़े होइए, नेशनल एंथम होगा बाद अब खड़े होइए, खड़े जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता की, जय हिंद जय भीम। चलता है ना यार, तमाम लोगों से गुजारिश। We'll be right back.